एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा, जिनकी माँ नहीं होती उनके लिए दुआ कौन करता है? वो बोली, दरिया अगर सूख भी जाए तो रेत से नमी नहीं जाती। कभी माँ बाप याद आए तो बहन भाई मिलकर बैठा करो, किसी के चेहरे पर माँ मुस्कुराती नजर आएगी, किसी के लहजे में बाप। पुरानी तस्वीरें देखते हुए अक्सर मुस्कुराहट और कभी कभी आंखों में नमी सी आ जाती है कि कितना कुछ बदल गया है। माँ की गोद से कब्र की दीवार तक जिंदगी के हर पहलू पर नजर डालकर देख, अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आता। जो रिश्ते इस दुनिया से चले जाते हैं तो हम तमाम उम्र उनसे मिलते जुलते चेहरों, लहजों और नामों में उनकी मोहब्बत को तलाश करते हैं, मगर वो लम्स, वो हिद्दत नहीं मिलती। अपने बाबा के पास बैठा करो, मुझे उनसे मिलने कब्रिस्तान जाना पड़ता है। हजारों ईदें आती हैं और चली जाती हैं, बस वो नहीं लौटते जिनको हम अपने हाथों से सुपुर्द खाक कर आते हैं। अल्लाह पाक सबकी मगफरत फरमाए। कयामत से कम नहीं होता वो दिन जिस दिन माँ बाप में से कोई एक नहीं होता। अल्लाह पाक सबके सरों पर वालदेन का साया सलामत रखे। बाजार से सब मिल जाता है, माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। बाप के जिंदा रहने तक हर बेटी शहजादी होती है। बाप का बाजू बेटी का सबसे बड़ा सहारा होता है। घर में बाप की आवाज भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। माँ कहती है कि जन्नत तो सभी मांगते हैं, लेकिन जिंदगी में मिली हुई जन्नत की कोई कदर नहीं करता। जो वालिद की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। बाप के होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। जैसे जैसे उम्र गुजरती है एहसास होने लगता है कि वालदेन हर चीज के बारे में सही कहते थे। उस सूखी छड़ी से बदतर है वो औलाद जो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा न बन सके। माँ के लिए सबको छोड़ देना, लेकिन सबके लिए माँ को मत छोड़ना, क्योंकि जब माँ रोती है तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। माँ बाप दुनिया की हर ठोकर बर्दाश्त कर सकते हैं, सवाए औलाद के हाथों की लगी ठोकर के। वालदेन की दुआएं तस्बीह के दानों की तरह होती हैं, जो औलाद के हक में हर वक्त हर पल तस्बीह के दानों की तरह गिरती रहती हैं। अल्लाह ये दुआ मांगने वाले हाथ हमेशा सलामत रखे। माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ी नामत हैं। माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं, और अगर बाप ना हो तो जिंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं। मेरी माँ ने बताया, बेटा जब तुम पहली बार बोला था मैं चिल्ला उठी थी, झूम उठी थी, तुझे चूम उठी थी, पर अब तू जो बोलता है तो मैं सहम जाती हूँ, डर जाती हूँ, मर जाती हूँ।